अच्छा काम तो इन्होंने हाईवे बनाए हैं, इन्होंने इतने अच्छी सड़के बनाई हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था, इतने मास लेवल पे हमने कंस्ट्रक्शन देखा नहीं था इंडिया के अंदर, या जो देखते थे ना वो 10 साल तक चलेगा, इन्होंने दो दो तीन तीन साल में हाईवे डिलीवर कर कर दिए हैं। ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि भी मतलब के ताकि के यहाँ भी इकट्ठे हो जो देश बाढ़ में जाए, जो इकट्ठे होकर अब इन्होंने लड़े, चोर अपने आप को बचा रहे हैं। कर्नाटक का जो हुआ ना, ये चोरों ने अपने आप को बचाया। महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, सबको पता है कि महंगाई बढ़ी, लेकिन हर देश में, हर देश के अपेक्षा इस देश में महंगाई का लेवल उतना नहीं है। हर देश की महंगाई देखो कोरोना काल के बाद क्या स्थिति है। जिनके मंत्री राम को काल्पनिक बताते थे, सुरेश कलमाणी जैसे लोग बोला राम मंदिर का फैसला लेके आएंगे, वो राम मंदिर का फैसला लेके आएंगे। और देखिए पकोड़े तलने वाली बात वो रोजगार से है, व्यापार से है, अपना बिजनेस, सेल्फ बिजनेस। अंकल जी क्या नाम है? राजेश खन्ना। कैसे देख रहे हैं आप 2024 की तैयारियां? चल चुकी है 23 में तो कर्नाटक में अभी इलेक्शन हुआ, देखा कांग्रेस जीत गई है, बीजेपी ने जोरों से प्रचार किया था, प्रसार किया, रैलियां निकाली, लेकिन नतीजा उल्टा रहा, कांग्रेस जीत गई। अब कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है 24 में कौन? लगने का कोई सवाल ही नहीं, मोदी जी है, लगने का क्या सवाल, वो तो मोदी जी, मोदी के आगे कोई भी नहीं लग सकता। हाँ तो उन्होंने कहा था पूर्ण बहुमत से जीत जाएंगे कर्नाटक में, हिमाचल में भी उल्टा हुआ। ये ऐसा है जी कि देखिए बैट्समैन वही होता है जब उसके 70-80 बनाते हैं, 90 भी बनाते हैं, और एक आध बॉल अगर कोई वो गलती से नहीं खेल पाए या कोई ऐसी आ गई तो वो अगर पीछे हट जाता है, नहीं खेलता अपनी विकेट बजाने के लिए, तो यही उसकी समझदारी होती है। तो ये कर्नाटक जो भी अब उन्होंने जो हुआ है, ठीक है ना, अब यही उनके लिए एक रास्ता मिलेगा, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कौन लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि दुश्मन तो इकट्ठे हुए ही हैं, तो ये भी उनके लिए आगे भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी रणनीति। कमी रह गई थी, बीजेपी ने खूब प्रचार किया, प्रसार किया, कमी कहाँ रह गई थी? नहीं, कमी ये रह गई थी कि जो मोदी जी जो एक्शन ले रहे हैं, योगी जी जो एक्शन ले रहे हैं, मोदी जी जो एक्शन ले रहे हैं, सबको ये मालूम होगा अब हम जेल के अंदर जाने वाले हैं, विपक्ष इतने अब हमारा नंबर तय है, धड़ाधड़ जेल के अंदर जा रहे हैं। अब कम से कम वो एक ही सियार आता था हरिसन ताले का कि ताला लगा हुआ अखबार में, नीचे चोर बैठे हैं कि चोरों की हड़ताल, कि सब चोर इकट्ठे हो जाओ, कि अगर ये हरिसन का ताला रहा तो ताले नहीं टूटेंगे, हमारा चोरी का धंधा खत्म हो जाएगा। अब ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि भी मतलब के ताकि के यहाँ भी इकट्ठे हो जाओ, देश बाढ़ में जाए, जो इकट्ठे होके अब इन्होंने लड़े, चोर अपने आप को बचा रहे हैं। कर्नाटक का जो हुआ ना, ये चोरों ने अपने आप को बचाया, और चोर कब तक बचाएगा अपने आप को? क्या लग रहा है फिर 24 में विपक्ष तो विफल हो गया? लग रहा कि बाद में मोदी जी ही आएंगे। यूं कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, फिर भी आप मोदी जी को? कौन सा लोकतंत्र, कौन से लोकतंत्र की हत्या हो रही है? लोकतंत्र जो था, इन्होंने जब नेहरू जी ने ये मतलब ये गद्दी संभाली थी, लोकतंत्र बनाया ही कहाँ था उन्होंने, लोकतंत्र को साज किया ही क्या था? जैसे टुकड़े हुए थे उन्होंने, कि पाकिस्तान ने अपना बनाया ना, जो कुछ बनाना था उन्होंने, किसी की परवाह नहीं की, उन्होंने बनाया तो इन्होंने कुछ उसके बाद बनाया नहीं। लोकतंत्र क्या, इन्होंने कोई तंत्र नहीं बनाया, कांग्रेस ने कोई तंत्र ना बनाया है ना बनाने दिया है, अब ये लोकतंत्र बना रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को दर्द हो रहा है। लोकतंत्र कुछ नहीं था पहले। अच्छा, कहा जा रहा है कि 9 साल पूरे हो चुके हैं मोदी जी को आए हुए, क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो उनके अच्छे लगे? मैम एक तो कर्नाटक के बारे में बोल दूं, अगर हार जाते हैं तो लोकल लीडर हारती है, जीतते हैं तो मोदी करिश्मा चल पड़ा, ये बड़ा डबल स्टैंडर्ड होता है। अगर मोदी जी ने पूरा कर्नाटक कैंपेन अपने दम पे चलाया था तो हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं के सर आएगी, कोई वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर था उसके दम पर नहीं आएगी, उसको तो कोई जानता भी नहीं था बोमई को। तो ये नहीं होता कि हार गए तो अपना लोकल लीडर, जीत गए तो हमारा करिश्मा कर, और ये दोनों पार्टियों के लिए ठीक है कि अगर लोकल लीडरशिप को आप पावरफुल नहीं करोगे, कांग्रेस भी इसलिए जीती क्योंकि उनका लोकल लीडर पावरफुल था, यानी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी की वजह से जीती है वहाँ पर वो। क्या लग रहा है, मतलब जिस तरीके से आज 9 साल पूरे हो गए मोदी जी के काल को, प्रधानमंत्री काल को पूरे हो गए हैं, क्या लग रहा है कि कौन कौन से काम उनके अच्छे हैं? इनका सबसे अच्छा काम तो इन्होंने हाईवे बनाए हैं, इन्होंने इतने अच्छी सड़कें बनाई हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था, इतने मास लेवल पे हमने कंस्ट्रक्शन देखा नहीं था इंडिया के अंदर, या जो देखते थे ना वो 10 साल तक चलेगा, इन्होंने दो दो तीन तीन साल में हाईवे डिलीवर कर कर दिए हैं। नितिन गडकरी इनका सबसे बेस्ट मिनिस्टर है, अगर अपोजिशन को जीतना है ना, मैं तो कहता हूँ वो ऐलान कर दे कि हम रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चेंज नहीं करेंगे, अपना रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चाहे विपक्ष भी है वो भी इनको ही बनाए रखें। सड़कों से थोड़ी ना काम चलेगा, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी हो रही है। बेरोजगारी और महंगाई तो इन्होंने चरम पे पहुंचा रखी है मैम। 400 रुपए जब सिलेंडर हुआ था ना, जब कांग्रेस के जमाने में, तो यही स्मृति ईरानी, यही मोदी जी ने ना पूरे भारत बंद का ऐलान कर दिया था,
पेट्रोल 60 रुपये होता था, हाय जनता त्राही त्राही कर रही है, इनके बयान है उस समय के, आज 100 रुपये पहुंचे हुए तो जनता खुश है, जनता शेर पाल रखा है हमने, तब ये बयान आते हैं कि शेर पाल रखा है तो खर्चा भी करना पड़ेगा, ये तो बयान आ रहे हैं। जब कारण है फिर एक तरफ तो मोदी जी की प्रशंसा भी हो रही है, मोदी इज द बॉस भी कहा जा रहा है। अरे मैम, जो जब मैं प्राइम मिनिस्टर होता ना उस समय मनमोहन सिंह की प्रशंसा होती थी, आप उस समय का कार्यकाल याद कर लो, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना लोगों के दिमाग में वो छाया रहता है, जब देश कोविड से जूझ रहा था ना, जब देश की पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य होनी चाहिए थी, इन्होंने बनाया था सेंट्रल विस्ता का प्रोजेक्ट, 20,000 करोड़ रुपये अप्रूव कर दिए थे इन्होंने, जब देश में ऑक्सीजन नहीं थी, लोग मारे मारे फिर थे ऑक्सीजन के लिए, इन्होंने क्या, इन्होंने की प्राथमिकता क्या थी, पहले हमारा संसद बने, पहले हमारा इंडिया गेट का सारा एरिया रेनोवेशन हो, और उसके अंदर भी जो अभी कर रहे हैं इनॉग्रेशन, उसके अंदर भी इन्होंने इतने पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, क्योंकि संसद सबके लिए बनेगी, संसद एक सरकार के लिए बनेगी, ये भी पक्का नहीं कि ये रहेंगे नहीं रहेंगे, आगे कोई और भी आ सकता है, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला के कंसेंसस बनाया जा सकता था, जिससे कोई ना कोई तो आते विपक्षी नेता, और ऊपर से बस एंड में इनका ये चलना है, जितने मर्जी मुद्दे हावी होंगे जनवरी में खुल जाएगा राम मंदिर, सारी चीज़ें हवाबाई हो जाएंगी, लोग महंगाई भूल जाएंगे, लोग ये सब भूल जाएंगे, बेरोजगारी, हमारा राम मंदिर खुल गया, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सरकार ने कुछ नहीं करा, बस ये अपना आगे पक्ष लेने पहुंच गए, राम मंदिर का फैसला कांग्रेस के ज़माने में भी 2010 में आया था, वो भी हिंदुओं के पक्ष में ही आया था, 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, लेकिन मोर तो मोदी जी के उसमें लग गया, वो लोग हाई कोर्ट चले गए ना अपील कर, तब क्या नाम? मेरा नाम लक्ष्मण है, राय है, मोदी का सबसे पहला काम है ये रफ्तार विकास तो चलता रहेगा, ये कुछ कम या ज़्यादा चलती रहती है, सबसे पहला काम है जो 370 ये किसी के बस का नहीं था, वो सबसे अहम मुद्दा है वो किया, राम मंदिर अहम मुद्दा वो किया, ये दो मुद्दे ऐसे जो कभी जिंदगी में कभी होता ही नहीं, डर के मारे ये मोदी जी नहीं करते तो कोई और नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता, क्योंकि राजनीतिक राजनीतिक के चक्कर में, वोट के चक्कर में ये किरी और ये लड़ते रहते, इससे फायदा नेता ये किया। और रही बात महंगाई, देखिए अभी कर्नाटक महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, सबको पता है कि महंगाई बढ़ी, लेकिन हर देश में, हर देश के अपेक्षा इस देश में महंगाई का लेवल उतना नहीं है, हर देश की महंगाई देखो कोरोना काल के बाद क्या स्थिति है, अमेरिका, रूस, जापान, चीन सब परेशान है, सब परेशान है महंगाई, उसके अपेक्षा हमारे इंडिया में सही है, और महंगाई बढ़ी तो ये नहीं कि सैलरी नहीं बढ़ी, लोगों की कमाई नहीं बढ़ी, लेकिन सबसे समस्या है कि लोगों की शौक बढ़ गया है, शौक जो 1,000 रुपये में लोग खाते थे आज 1,000 रुपये घर में मोबाइल में खर्चा हो रहा है, महंगाई तो बढ़ी है, कमाई भी बढ़ी है, लेकिन खर्चा बढ़ गया, खर्चा कहाँ था, इनकम भी तो हाँ वही इनकम बढ़ी है, सैलरी पूछो आज से 10 साल पहले कितनी सैलरी थी, 15 साल पहले जो लड़के 150 रुपये रोज पे मिलते थे, इस टाइम 500 रुपये रोज में नहीं मिलते, तो महंगाई बढ़ी तो दिहाड़ी भी बढ़ी, लोगों के सब कुछ बढ़ा, के प्रचार में कहा गया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और जब खत्म हुआ ना प्रचार, जब जीत गए तो इन्होंने कहा था पकोड़े तलना भी तो रोजगार है, वो क्यों नहीं कर रहे, जबकि जब इन्होंने ये वादा, रोजगार सबको है, रोजगार मिलती है, करना चाहिए रोजगार, रोजगार सरकारी रोजगार, रोजगार नहीं थे सरकारी, अभी मेरी बेटी 12वीं करी है, 12वीं करके हम धक्के खाएं, अभी 12वीं करके अभी 1 महीना पहले 14,000 की प्राइवेट नौकरी करी, जॉब तो मिला, जॉब मिल रहा, नौकरी भरोसे तो फिर धक्के खाते रहेंगे, नौकरी कहां से लाएगा इतनी नौकरी, सरकार इतनी है जगह सरकारी में, इतनी अच्छी बात है जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, तो जब ये बोल देते ना कि हम पकौड़े तलने को भी रोजगार में गिन रहे हैं, हम इसको सैलरीड क्लास में नहीं गिनेंगे, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी को भी हम गिन रहे हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज सेक्टर की 2 करोड़ जॉब बोली थी, इनके मैनिफेस्टो में भी पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही 2 करोड़ की जॉब बोली गई थी। मोदी जी का टारगेट क्या है, जब दिल्ली का कुतुब मीनार, जो कुतुब ऐबक मरे थे, कुतुब मीनार का निर्माण करके मरे थे, उसे बनाया शाहजहां ने, ठीक है, उसी तरह से 2024 के इलेक्शन मोदी जीत जाएंगे, लेकिन उस पर बैठाएंगे योगी को और सारे मिशन योगी के हाथ में सौंपेंगे। अभी स्वच्छता भारत आप हर जगह देख रही हैं, नोट से लेकर के सफाई कर्मचारी के पास देख रही हैं, रेलवे स्टेशन में देख रही हैं, महात्मा गांधी के चश्मे। अच्छा, क्यों लग रहा है कि योगी जी को बैठा दे? योगी जी को इसलिए बैठाया जा रहा है क्योंकि एक मालिक का कुर्सी केवल वही मैनेजर संभाल सकता जो हर वक्त करीब रहता हो। अच्छा, मोदी जी अभी चला रहे हैं, ठीक नहीं चला रहे हैं? अभी चला नहीं रहे हैं, 2 साल हो गए चलाते, उनका मिशन एक ही है टारगेट कि हमारी महात्मा गांधी की जगह मेरी फोटो आए। अच्छा। स्वच्छता भारत महात्मा गांधी के चश्मा लगा दिए, महात्मा गांधी का चश्मा आप देख ही रहे न, अब महात्मा गांधी का चश्मा लगेगा हटेगा,
और मोदी जी के फोटो लगेगी। महात्मा गांधी के टारगेट हटेगा और मोदी जी के टारगेट आएगा। अगर नहीं विश्वास, ये बताइए राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी कुछ नहीं है, वो सब तो केवल अफवाह है, आगे कूद कूद के चलने वाले, लेकिन मेन टारगेट मोदी है। ठीक, अच्छा, किसको पसंद कर रहे हैं, क्या लग रहा है 2024 में सरकार? तो आपने बता दी कि मोदी की बन जाएगी। आपने मूवी देखी है? कौन सी देखी? कोई भी मूवी? महीने में 5 मूवी आती है, तो कोई सलमान खान को पसंद करता, कोई केसरिया को पसंद करता, कोई आमिर खान को पसंद करता, तो उसी तरह नेता भी हैं, कोई राहुल गांधी पसंद करता, कोई मोदी। कोई पसंद करने की वजह तो बता दीजिए, किसको पसंद करने के? अपना अपना एक वजूद होता है, अपनी अपनी सोच होती है पहचान की। हाँ, तो कुछ लोग क्या करते हैं, राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं। ठीक, और जो बीच में चापलूस आदमी है ना, वो दोनों तरफ मजे ले रहे हैं। ठीक, वही तो दुनिया चला रहे हैं चापलूस आदमी, मोदी की बात राहुल गांधी से, राहुल गांधी की बात मोदी से।